आई ऑडिबल बच्चों? Hello students, good evening everyone, and again welcome to An Academy, let's crack NEET UG. This is Dr. Shivani Bhargav. देख लो आज तुमने कहा था तो टाइम पर थी, चैट कर रही थी ना तुम लोग के साथ, तो कोई ना कोई मनुष्यत तो लगी जाती है. आज वो लिंक ही काम नहीं कर रहा था तो नई की जनरेट करनी पड़ी, नई की जनरेट करनी पड़ी है. बड़ी मुश्किल से मैं लाइव आई हूँ, अदरवाइज तो अगर मेरी टीम मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही तो आज सेशन ही नहीं हो पाता, ये मान लो आप. बट मैंने भी सोच लिया था स्टूडियो आई तो फिर रिकॉर्डिंग करके जाती मैं आज. ठीक है, चलिए शुरू करेंगे. जल्दी से आ जाओ यार, तुम लोग कहाँ रह जाते हो. फटाफट से लिंक को शेयर कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी करो. प्लेटफॉर्म के बारे में तो बताना ही पड़ेगा. ठीक है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, फटाफट से लिंक को शेयर करो. सो वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन. कल से जेनेटिक्स शुरू कर देंगे शाम 4:30 बजे. भैया 4:30 बजे वाला लेक्चर क्यों भूल जाते हो, 4:30 PM पर भी सेशन होता है, तो 4:30 बजे कल जेनेटिक्स शुरू करूंगी. ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग बात करते हैं. अगर तुम्हें मेरे साथ पढ़ना, जल्दी से खत्म कर दूंगी. अच्छा लगता है तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आकर, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़कर आप सेशंस सिर्फ ऐसे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू नहीं, मेरी पर्सनल मेंटरशिप में आप पढ़ सकते हैं. ऐसा नहीं आप सिर्फ मुझसे पढ़ पाएंगे. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के इंडिया में 50 से भी ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर इसका पार्ट है, जो आपको आपकी नीट की जर्नी में हेल्प करते हैं. डेली लाइव क्लासेस होती है, और लाइव क्लासेस यूट्यूब की तरह नहीं, बहुत इंटरेक्टिव सेशन है. इनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल होती है, इवन तो आपने आज भी ज्वाइन किया तो इसके पहले के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा. ऑल इंडिया लेवल का टच सीरीज और अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन सारे एडुकेटर्स अनलॉक हो जाएंगे. जिससे मर्जी आए, फ्रीक्वेंसी मैच करें, आप स्टार्ट कर सकते हैं. करना क्या होगा, प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करोगे. उसके बाद सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, क्लिक करोगे. स्ट्रीम पूछेगा, नीट यूजी भरोगे, फिर ऐसे 1, 3, 6, 12, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल है. एक साल का सब्सक्रिप्शन 38,000, 38,500. 2 ईयर सब्सक्रिप्शन 56,000. लेकिन आपको इतना नहीं पे करना होता, प्रोसीड टू पे के पहले कोड आपको अप्लाई करना होता है, जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी. शिवानी कोड को अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे. पहला फायदा तुरंत नजर आएगा, सीधा सीधा फीस पर 10% का डिस्काउंट 34,000 और 50,000 में मिल जाएगा 2 ईयर. तो एक तो फीस पर 10% का डिस्काउंट प्लस एडिशनल बेनिफिट्स जो है, आप डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप, मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाते हैं. यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई सुपर इटीज थ्रू आउट द ईयर. आपकी नीट की जर्नी में मैं आपको गाइड करूंगी. DPPs मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक मिलता है. सिर्फ ये ऐसे हैंड रिटन क्लास नोट्स ही नहीं, एग्जाम में जब बंडल इकट्ठे हो जाते हैं तो रिविजन के लिए जो चाहिए ना शॉर्ट नोट्स, मेरे खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपको मिलते हैं. स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, डेली बेसिस पर आपको टारगेट्स देते हैं. बैक पोर्शन की चिंता आपको नहीं करनी, क्योंकि रोज टारगेट्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करवाते हैं. लेकिन फिर भी हाँ जी, हम लोग टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल डिस्कस की थी बच्चा, थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों ने लिख ली थी. एक क्विक रिकैप मैं इसको दूंगी, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एसी ऑन कर दूं जिससे कि आराम से हम लोग सेशन स्टार्ट कर पाएंगे. फिर जस्ट गिव मी ए सेकंड.
जहाँ तू मेरे साथ है। हाँ जी, हमने डिस्कस किया था प्लांट इज स्पोरोफाइट दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। स्पोरिंजिया, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द स्पोरिंजिया। स्पोरिंजिया कहाँ प्रेजेंट है? एट द अबैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ। और जिन लीव्स में स्पोरिंजिया प्रेजेंट होते हैं ऐसी लीव्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। फिर हमने बात की स्पोर मदर सेल, मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब इन स्पोर्स का होता है जर्मिनेशन। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो स्पोर का जो जर्मिनेशन ये होता है बेटा सॉइल के अंदर होता है। स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट और प्रोथैलस बनता है। एज आई टोल्ड यू कि स्पोर का जर्मिनेशन सॉइल के अंदर हो रहा है तो इसमें जो गैमेटोफाइट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का कोई कनेक्शन नहीं है। और स्पोरोफिल जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है टेरिडोफाइट का, ये भी फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बना लेता है। अब ये जो गैमेटोफाइट है मैंने बताया सॉइल के अंदर हो रहा है तो ये क्या बोलते हैं वो है मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। अब वैसे तो मैं एंथ्रीडिया की अगर मैं बात, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड, फीमेल गैमेट एग। अब एंथ्रोजॉइड्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये स्पायरल शेप, स्पायरल और बायफ्लैजिलेट होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। वैसे तो स्पायरल और मल्टीफ्लैजिलेट है लेकिन एक्सेप्शनली सेलेजिलेना का जो एंथ्रोजॉइड्स है ये स्पिंडल शेप है। लाइकोपोडियम की हम बात करें तो कॉमा शेप होता है। ये कुछ एक्सेप्शन है जो लिख लो, ये वाला पॉइंट नहीं लिखा था हमने, ठीक है। यहाँ तक तो ये तो लिख लिया था। टेरिडोफाइट में स्पोरोफिल इज ऑल्सो फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने डिस्कस किया। हाँ, हमने बात की यहां पर कि वैसे तो जो एंथ्रेजॉइड यानी कि जो मेल गैमेट है, एंथ्रेजॉइड्स की हम बात करें ये स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंथ्रेजॉइड वैसे तो स्पाइरल शेप्ड, स्पायरल एंड मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं लेकिन एक्सेप्शनली देखो आप एंथ्रेजॉइड्स जो हैं आपके किसके अंदर, सेलेजनेला की मैं बात करूं, सेलेजनेला के अंदर स्पिंडल शेप होंगे। और लाइकोपोडियम के अंदर यही आपके कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। ये हमने चर्चा कर ली। फिर क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, मेल गैमेट दैट इज द मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड, ठीक है। ये डिस्कस किया था मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड है लाइफ साइकिल में अभी 4 बजे वाले सेशन में। फीमेल गैमेट एग दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन वही जूडियोगैमस टाइप है, जूडियोगैमी होता है वही मेल गैमेट मोटाइल है जो कि आपके फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा और इससे एक डिप्लॉयड जायगॉट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इससे एक डिप्लॉयड जायगॉट का फॉर्मेशन होता है और ये जायगॉट जो है इट डेवलप्ड इन टू द एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से वापस से आपका स्पोरोफाइट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन जूडियोगैमस टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप, ठीक है। टेरिडोफाइट का मैंने हमने डिस्कस ही कर लिया कि गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट,
तो इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट, यानी कि जो स्पोरोफाइट, जो गैमेटोफाइट है, ये अपने स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट, दैट इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है. इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है. लाइफ साइकिल की बात करें तो आप इधर देखो, जो भी स्पोरोफिटिक जनरेशन थी इसकी, सारी की सारी स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉइड है. जितनी भी गैमेटोफिटिक जनरेशन थी वो हैप्लॉइड थी. तो इसकी लाइफ साइकिल कैसी है बेटा? डिप्लो हैप्लोंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है. यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो चलो मैं ये बंद कर देती हूँ. ठीक है, तो ये लिख लो, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये हो गया. फिर हम लोगों ने यहां पर बात की है कि ये हमने डिप्लॉइड जायगोट, ये हो गया. फिर हमने बात की कि इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ठीक है. दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट. दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट. Unique characteristic, independent alternation of generation, this is a unique characteristic of pteridophyte. इसका मतलब ये है, that is gametophyte and sporophyte, they are independent from each other. दोनों एक दूसरे से free हैं. gametophyte and sporophyte. It is independent of each other. Gametophyte and sporophyte, they are independent of each other. That is the point. ठीक है, फिर इसके हम life cycle के बारे में बात करें तो life cycle के बारे में अगर बात की जाए तो हमने बात की थी कि जो इसकी sporophytic generation है, पूरी की पूरी sporophytic generation diploid है, gametophytic generation पूरा haploid है. तो life cycle diplo हैप्लोंटिक टाइप है. ठीक है बेटा, डिप्लो हैप्लोंटिक टाइप का लाइफ साइकिल जो है ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर. इट इज ऑल अबाउट दिस. अब टेरिडोफाइट को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है बेटा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा. सिर्फ इसके मैं आपको बता देती हूं कितना याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे. वैसे तो टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके, कैसे होमोस्पोरस और हिटरोस्पोरस में बहुत सारे एग्जांपल पता लग गए. तो इनका डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम नाम याद रख लो. चार क्लासेस नाम आराम से क्योंकि याद रखा जा सकता है. जिसका थोड़ा बहुत डिटेल जाना है मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, टेरिडोफाइट्स को नाम नाम तो याद रख ही सकते हैं हम. टेरिडोफाइटा जो है इसको चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है. इट इज डिवाइडेड इंटू फोर क्लासेस. व्हाट वर दे बच्चा? इट इज द सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा फिनोफ्सिडा लाइकोप्सिडा फिनोफ्सिडा एंड टेरोप्सिडा. इस तरीके से टेरिडोफाइट को चार क्लासेस में, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोफ्सिडा एंड टेरोप्सिडा, चार क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है. बेटा रही बात एग्जांपल की, तो एज आई टोल्ड यू हमने अभी जैसे पढ़ लिया, जैसे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में अपन ने क्या क्या, तो ये पता है कि टेरिडोफाइट के एग्जांपल हमने क्या क्या एग्जांपल पढ़े. पी से तीन थे, टेरिडियम, टेरिस, सिलोटम, फिर एडियंटम जिसे वॉकिंग फर्न कहते हैं, इसको डिटेल बताऊंगी, इक्यूसीटम,
ड्रायोप्टेरिस और लाइकोपोडियम, तो ये सारे सेलज इसके एग्जांपल है। फिर हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेलजलेना, साल्विनिया, एजोला, स्टाइलाइटिस, ये तो एग्जांपल हम, तो ये तो हमें क्या पता है, जरूरी नहीं है याद रखना कि सिलोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, स्फिनोप्सिडा का क्या है, टेरोप्सिडा का क्या है, जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक याद होना चाहिए, लाइफ साइकिल याद होना चाहिए, चार क्लासेस के नाम नाम देख लो, दैट इज अ सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। एक हाथ जो चीज है ये मैं आपको यहाँ पीपीटी से दिखा रही हूँ, पीपीटी में बहुत सारा है, आपको उतना करना नहीं है, मैं आपको बता दूंगी आपको कितना करना है। ये देखो टेरिडोफाइटा को इसमें शो रहा है, टेरिडोफाइटा को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज द, क्या हुआ भाई इतनी इमोजीज क्यों दिख रही है, प्लीज बातें मत कीजिए बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ जी सुनो इधर तुम, तो हम डिस्कस कर रहे हैं चार क्लासेस में डिवाइड किया है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, कुछ नहीं करना ठीक है। सिलोटम जो है ये याद रखना, सिलोटम जो है इट इज अ लिविंग फॉसिल, एक ये पॉइंट आपको याद रखना, सिर्फ मैं हाईलाइट कर रही हूं और कुछ नहीं, सिलोटम जो है ये लिविंग फॉसिल है, ये याद रखना है। लाइकोप्सिडा अपन ने उसमें से देख लिया, क्लब मॉसेस इसके अंदर आते हैं, क्लब मॉसेस आपके, बस ये ध्यान रखना है, इट इज द एग्जाम, ये नहीं याद रखना कि सिलोप्सिडा का, बस टेरिडोफाइट्स में आते हैं, इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। स्पोरोफिल आर प्रेजेंट इन द ग्रुप, इसे स्ट्रोबलस और कोन कहते हैं, स्पोरोफिल्स जो है दे आर प्रेजेंट इन द ग्रुप। सेलजनेला तो ये आपको याद ही है, इसको याद रख लेना, सेलजनेला ब्रायोप्टेरिस, इसे संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लेकर आए थे ठीक है, संजीवनी, सेलजनेला ब्रायोप्टेरिस का नाम है, ये आप याद रख लेना बस। स्फिनोप्सिडा का कोई डिटेल नहीं याद रखना, कोई डिटेल नहीं याद रखना, नहीं जरूरत है। इक्यूसीटम ऑलरेडी हम एग्जांपल, इसको भी ये भी याद ही रखना कि किसके अंदर आता है, इक्यूसीटम ऑलरेडी एग्जांपल में पता है, टेरोप्सिडा के अंदर, टेरोप्सिडा के अंदर फर्न्स जो है ये याद रखना, फर्न्स जो है डायरेक्ट, सिर्फ ये नहीं याद रखना किस क्लास में आता है, बस ये याद रखना है कि टेरिडोफाइट का एग्जांपल है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ड्रायोप्टेरिस ऑलरेडी नाम याद रख चुके, एडियंटम याद रखना है, एडियंटम इंपॉर्टेंट है, एडियंटम को आप वॉकिंग फर्न कहते हैं, ये याद रखना है, एडियंटम को वॉकिंग फर्न कहा जाता है, बहुत तेजी से लीफ टिप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट टेक प्लेस बाय मींस ऑफ, इसको वॉकिंग फर्न नाम ही इसीलिए दिया गया, अच्छा ये आगे दे रखा है शायद, हाँ ये दे रखा, ये याद रखना है एडियंटम, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है इसमें, पूरा डिटेल याद रखना है। एडियंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं और ये नाम इसीलिए दिया क्योंकि इसके अंदर ये मतलब रैपिड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है, एडियंटम के अंदर लीफ टिप के थ्रू, बाय द मींस ऑफ लीफ टिप, और बहुत तेजी से ये स्प्रेड होता है, स्प्रेड वेरी फास्ट, बहुत फास्टली ये स्प्रेड होता है लीफ टिप के थ्रू। एडियंटम वॉकिंग फर्न जिसे हम कह रहे हैं ठीक है, एडियंटम को वॉकिंग फर्न हम कह रहे हैं, वॉकिंग फर्न कह रहे हैं, नाम इसलिए दिया क्योंकि बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, किसके थ्रू होता है, लीफ टिप के थ्रू होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिटेल इसका पता होना चाहिए। ऑस्मंडा जस्ट इसका जस्ट नाम याद रख लो, बाकी नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है बस। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से। आपको पता है टेरिडोफाइट्स के बाद से ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट माना गया, सीड जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट है ना, तो क्या चीजें हैं जिम्नोस्पर्म्स में, खैर बताऊंगी, सेलजनेला और साल्विनिया, हीट्रोस्पोरस कंडीशन, खैर ये आगे आ जाएगा। हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जो है सेलजनेला और साल्विनिया और फीमेल गैमेटोफाइट, ये आपके पैरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन रहता है लंबे समय तक, दिस इज द थिंग फॉर द द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इन टू द यंग, ये मतलब फीमेल गैमेटोफाइट पर ही होता है ना, तो ये दिस इवेंट इज द प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। क्या क्या बताया, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट के लिए एक तो हीट्रोस्पोरस कंडीशन का प्रेजेंट होना सेलजनेला और साल्विनिया के अंदर, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है इट रिटेन्ड ऑन द पैरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड, एक कारण हीट्रोस्पोरस कंडीशन, दूसरा फीमेल गैमेट लंबे समय तक, फीमेल गैमेटोफाइट इट रिटेन्ड ऑन द पैरेंटल पैरेंट स्पोरोफाइट फॉर लॉन्ग वेरिएबल पीरियड, दिस इज द रीजन, दिस इज द
these two are considered as the precursors. This event is a precursor of seed habit, which is a very, very important step in the process of evolution. Direct question यहाँ से आता है, gymnosperm के बाद खैर note डाल के लिखवाऊंगी. तो याद रखना कि साले जो है साल्विनी हम पहले ही पढ़ चुके heterosporous pteridophytes है, तो ये heterospory present होना और female gametophyte का parent sporophyte तक लंबे समय तक उसका retention वहाँ पर होना, ये दो event जो है these are the precursor of seed habit. इसलिए तो seed evolution इसके बाद से ही माना जाता है. बस that's it, और कुछ नहीं पढ़ना आपको. ठीक है, बस यही आपको देखना और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना. ये सब हो गया, इसके बाद डायरेक्टली जिम्नोस्पर्म डिस्कस करेंगे. दैट इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट्स. क्या क्या डिस्कस किया, क्विक रिकैप में दे रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने लास्ट उसके अंदर देखी थी. तो देखो, सबसे पहले तो हमने बात की टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं. वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स एंड द रेप्टिलिया ब्रायोफाइट्स, दे आर द ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. टेरिडोफाइट्स को हम क्या रहे, रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम. अब मैंने बोला वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, यानी कि टेरिडोफाइट्स के अंदर वैस्कुलर टिश्यू दैट इज अ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है. जाइलम एंड फ्लोएम तो प्रेजेंट है, लेकिन जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होती है, ये एबसेंट होता है. लेकिन एक्सेप्शनल कुछ पड़ी थी जिसमें फॉल्स वेसल्स प्रेजेंट होते थे. फिर हमने बात की कि टेरिडोफाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, एबसेंट होती है. एक्सेप्शन आइसोएट सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है. टेरिडोफाइट्स की हम बात करें तो वेस्कुलर, सबसे पहले लैंड प्लांट ब्रायोफाइट्स थे, सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट टेरिडोफाइट है. सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स क्यों, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और रूट प्रेजेंट है. पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट जरूर है, लेकिन ये भी कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है. तभी तो रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम कह रहे हैं. क्यों क्यों नहीं है कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज दिस, क्योंकि इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए, लाइफ साइकिल बिना पानी के तो इनकी भी पूरी नहीं होनी. दे ऑल्सो नीड वॉटर फॉर द फर्टिलाइजेशन. दैट वॉज द रीजन कि इसको इट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स. ठीक है, फिर हमने बात की इसका जो प्लांट बॉडी, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम एंड लीव. रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, एडवेंचियस रूट से रिप्लेस हो जाएंगी. स्टेम की मैं बात करूं, इरेक्ट और प्रोस्टेट स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है तो उसे राइजोम कह देंगे. लीव्स की बात करें तो लीव्स के बेसिस पर तो टेरिडोफाइट को दो डिवीजन हमने कर दिया, मेगा स्पोरोफिल एंड माइक्रो स्पोरोफिल. मेगा यानी कि बड़ा, अगर लीव्स बड़ी है एज कम्पेयर टू द स्टेम तो मेगा स्पोरोफिल, अगर लीव्स छोटी है एज कम्पेयर टू द स्टेम दैट इज द माइक्रो स्पोरोफिल. फिर हमने बात की लाइफ साइकिल के बारे में, तो जरा आ जाइए, मैंने मेरे 110 से भी दिखाया, यहाँ पर भी मैंने इसमें डाल रखा है. कहीं तो होगी वो दुनिया जहां तू मेरे पास है. हाँ जी, लाइफ साइकिल, मेन प्लांट, प्लांट इज स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. स्पोरिंजिया का फॉर्मेशन होगा, स्पोरिंजिया बनेंगे, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरिंजिया. स्पोरिंजिया कहाँ प्रेजेंट है, एट द एबैक्सियल सरफेस ऑफ द लीफ. जिस लीफ में स्पोरिंजिया है उसको स्पोरोफिल कहते हैं, और नॉर्मल वेजिटेटिव लीफ को ट्रोपोफिल कहते हैं. ठीक है, और जिसमें स्पोरिंजिया उसको स्पोरोफिल. स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. अब ये जो स्पोर है इनका जर्मिनेशन होगा, लेकिन इसका जर्मिनेशन ना सॉइल में होता है. बच्चा टेरिडोफाइट में जर्मिनेशन क्योंकि सॉइल में हो रहा है, जर्मिनेशन होता है सॉइल में, फिर गैमेटोफाइट और प्रोथैलस बनता है. तो सॉइल में जर्मिनेशन इसका होता है, तो ये एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन, एंडोस्पोरिंजिया के अंदर नहीं हो रहा ना स्पोर्स का जर्मिनेशन, बाहर हो रहा है, तो एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन है. और क्योंकि जर्मिनेशन सॉइल में हो रहा है, तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर द टू आइसोलेटेड थिंग, दे एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है. टेरिडोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इवन इसका स्पोरोफिल भी फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बना लेता है, तो कोई तकलीफ नहीं है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट. अब गैमेटोफाइट और प्रोथैलस है. फिर गैमेटोफाइट की बात करें तो भाई मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया. एंथ्रीडिया का मेल गैमेट एंथ्रेजॉइड, फीमेल गैमेट एंथ्रेजॉइड की बात करें तो वैसे तो स्पाइरल शेप मल्टीफ्लैजेलेटेड होता है, लेकिन एक्सेप्शन सलजनेला के अंदर, सलजनेला के अंदर इसका एंथ्रेजॉइड
स्पिंडल शेप होगा और लाइकोपोडियम के अंदर कॉमा शेप होता है, ठीक है। दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जूडियोगैमस टाइप, वही मेल गैमेट इसमें भी मोटाइल है, मोटाइल मेल गैमेट पहुंचेगा फीमेल गैमेट तक, फर्टिलाइजेशन होगा। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप, एक डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट इज डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से ये दोबारा स्पोरोफाइट बन रहे हैं। रही बात ये कि भाई टेरिडोफाइट्स में हमने बात की कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स, अधिकतर जो टेरिडोफाइट्स हैं दे आर होमोस्पोरस, यानी कि एक ही टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल पी से तीन नाम, टेरिडियम टारस सिलोटम, एडियंटम ड्रायोप्टारस, इक्यूसीटम एंड लाइकोपोडियम, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट हीट्रोस्पोरस भी हैं, यानी कि दे फॉर्म, दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, नींद से उठा के पूछ लो, पता होना चाहिए, सेलेजनेला साल्विनिया, दीज आर द टू बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सेलेजनेला साल्विनिया अजोला, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। और हीट्रोस्पोरस कंडीशन का होना सेलेजनेला साल्विनिया के अंदर और फीमेल गैमेटोफाइट का लंबे समय तक पैरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेंशन, दीज आर द प्रीकर्सर, मतलब ये आपका इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, सीड हैबिट का प्रीकर्सर इन्हीं को तो माना जाता है। तो ये सारा, फिर हमने बात की कि भाई टेरिडियम को चार क्लास में, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। एडियंटम का डिटेल याद होना चाहिए, एडियंटम का डिटेल वॉकिंग फर्न इसे हम कह रहे हैं, ये नाम क्यों दिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से लीफ टिप से होता है, किससे होता है याद होना चाहिए, लीफ टिप कई बार पूछा जा चुका है। फिर और थोड़ा डिटेल जाए तो सेलेजनेला को, सेलेजनेला ब्रायोप्टर, संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लाए थे रामायण में, ठीक है, लक्ष्मण जी और राम जी को बचाने के लिए, संजीवनी बूटी का नाम सेलेजनेला ब्रायोप्टरस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और तो कुछ द क्लब मॉसेस, ठीक है, सिलोटम एक लिविंग फॉसिल है, बस ये क्लब मॉसेस इसके अंदर आ रहे हैं। स्ट्रोबिलस और कोन, ये आया था इस बार नीट में, स्पोरोफिल आर द, ये दिस ग्रुप को स्ट्रोबिलस और कोन, तो ये टेरिडोफाइट्स के अंदर होता है। बस दैट्स इट, इट इज ऑल अबाउट द फर्न्स, इसके एग्जाम्पल है, ये याद होना चाहिए, ये मेरे ऑस्मंडा इसका एग्जाम्पल है, याद होना चाहिए, बस हो गया। ये सब था टेरिडोफाइट के बारे में। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। इज इट क्लियर टू ऑल माई डियर एंड लवली स्टूडेंट, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। नहीं बेटा, एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम में नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होगा, 12th का चैप्टर है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, डिटेल में हम उसी चैप्टर में पढ़ते हैं, यहां नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, यहां नहीं पढ़ाऊंगे बच्चे। इज इट क्लियर? यस, चलो शुरू करेंगे अब जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नो का मतलब ही होता है नेट, दे आर द नेट सीडेड प्लांट, सीड्स तो है बट इट इज नॉट सराउंडेड बाय द ओवरी वॉल। देखो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस का मतलब नेट, स्पर्मा यानी कि सीड, तो ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जिम्नोस्पर्म्स दे आर नेक्ड सीडेड प्लांट, ओव्यूल्स दे आर नॉट एनक्लोज्ड, नेक्ड सीडेड प्लांट है, ठीक है। ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल, ये है एक तो जिम्नोस्पर्म का एक फंक्शन। मेन प्लांट बॉडी जो है जिम्नोस्पर्म की, इट इज डिवाइडेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट जनरली आपके टैप रूट होती हैं, ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके। एक सेकेंड, ये दोबारा से रिपीट हो रही है पीपीटी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके टेरिडोफाइट, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। हाँ, रूट, टैप रूट है जनरली, स्टेम की बात करें अनब्रांच या ब्रांच कैसे भी हो सकती हैं, लीव्स की बात करें सिंपल कंपाउंड कैसे, मतलब स्टेम भी ब्रांच अनब्रांच होगा, लीव्स भी सिंपल कंपाउंड कैसी भी होंगी, ठीक है। फिर हमने बात की रूट जनरली टैप रूट होती हैं, फिर वो ये कह रहा है कि जो लीव्स हैं, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इस पॉइंट से क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, जो लीव्स होती हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स की, दे आर
वेल अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम कंडीशंस. क्या मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए वेल अडेप्टेड होती है? इनमें थिक क्रिटिकल की लेयर, कॉनिफर्स बोलते हैं ना, निडल लाइक लीफ प्रेजेंट होगी. निडल लाइक लीफ तो सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन कम होगा. थिक क्रिटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है. संकन स्टोमेटा ऐसे लीफ जो है दे आर वेल अडेप्टेड फॉर द एक्सट्रीम कंडीशन. इसे लिखा है कॉनिफर्स के अंदर, इन कॉनिफर्स. निडल लाइक लीफ प्रेजेंट है, निडल लाइक है तो सरफेस एरिया कम होगा. थिक क्रिटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है और संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वाटर लॉस कम से कम हो. ठीक है, जिससे कि हम वाटर लॉस कम से कम करें. ये हमने डिस्कस किया. जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों के अंदर सीड है. दे आर कलेक्टिवली इंक्लूडेड अंदर द स्पर्मेटोफाइटा. दे बोथ आर द सीड बियरिंग प्लांट. ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों सीड बियरिंग प्लांट है. लेकिन जिम्नोस्पर्म दे आर द नेट सीडेड प्लांट, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता. एंजियोस्पर्म्स की हम बात करें, एम्ब्रियन सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस बट फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता. लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन भी होता है. जिम्नोस्पर्म दे आर वेरी लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन, मेनली आपके कोल्ड रीजन्स के अंदर, हिमालयन माउंटेन्स वगैरह के अंदर ही पाए जाते हैं. कुछ जीरोफिटिक होते हैं. जिम्नोस्पर्म्स जो है टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगम, वो भी वैस्कुलर प्लांट थे, ये भी वैस्कुलर प्लांट है. जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके जाइलम में भी वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती. लेकिन एक्सेप्शन जेनेटम, एफेड्रा एंड वेल्वेशिया, यहाँ पर एक्सेप्शनली ट्रू वेसल्स, एक्सेप्शनली जेनेटम, एफेड्रा एंड वेल्वेशिया ट्रू वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइट्स में तो नहीं थी, सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म्स में होती है. इसलिए जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम जो है ये वुडी होते हैं. ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ. एक सेकेंड बच्चा, लिख के ज़्यादा अच्छा समझ में आता है ना आप लोगों को. यस, बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की. लिखिए. अरे यार, सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी आने से पहले. खुशी लौट जाएगी, हमने सोचा ना था. ये क्या से क्या हुआ, चल पड़े हैं फिक्र यारा धुए में उड़ा के. हाँ जी, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो का मतलब नेक, स्पर्म यानी कि सीडेड. तो जिम्नोस्पर्म्स जो है बच्चा ये क्या है, दे आर द नेक्ड सीडेड प्लांट. नेक्ड सीडेड प्लांट, ठीक है. जिम्नोस्पर्म्स को हमने कहा है नेक्ड सीडेड प्लांट. ठीक है, हमने बात की कि भैया सीड्स तो हैं, बट सीड्स जो हैं दे आर नॉट एनक्लोज बाय द जिम्नोस्पर्म. दे आर द नेक्ड सीडेड प्लांट इन विच ओव्यूल जो है, नेक्ड सीडेड प्लांट इन विच ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय, they are not enclosed by any ovary wall. They are not enclosed by any ovary wall. हमने बात की इसकी जो main plant body है, it is divided into the root, stem and leaves. Main plant body of gymnosperm, इट इज डिवाइडेड इन टू. आज खत्म हो जाएगा बेटा, कल जेनेटिक्स शुरू कर देंगे. इट इज डिवाइडेड जेनेटिक्स, यू गाइज नो. एक सेशन भी मिस मत करना, मतलब ऐसा चाहिए कि मक्खन क्लियर हो जेनेटिक्स. एक सिंगल क्वेश्चन भी हमें कोई हिला ना पाए. ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन ना हिला पाए, सिंगल क्वेश्चन में भी हमें कोई ना हिला पाए. इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन होनी चाहिए. यस, मेन प्लांट बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इन टू रूट, स्टेम एंड लीव्स.
अब एक एक की ही बात कर लेते हैं। रूट की बात करें तो अधिकतर तो मेनली टैप रूट होता है, स्टेम की बात करें ब्रांच्ड भी हो सकता है, इट मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है। लीव्स की हम बात करें तो सिंपल एंड कंपाउंड कैसी भी हो सकती है यार लीव की। फिर हमने कॉनिफर्स में बात की कि जिसकी लीव्स हैं दे आर वेल अडैप्टेड टू द एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं हम लोगों ने डिस्कस की थी, लिख लो। एक सेकेंड में देख रही हूँ, बीच बीच में दिक्कत हो रही है क्या? साउंड क्लियर है? दिख रही नहीं हूं। फिर हमने बात की कि जिम्नोस्पर्म्स में जो लीव्स हैं दे आर वेल अडैप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, लीव्स इन जिम्नोस्पर्म दे आर वेल अडैप्टेड टू, दिल में हो तुम आंखों में तुम, लीव्स इन जिम्नोस्पर्म दे आर वेल अडैप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस। जैसे कि मैं आपको बता दूं कॉनिफर्स के अंदर क्या होता है, इन कॉनिफर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन आया है, निडल लाइक लीव्स, निडल शेप लीव्स प्रेजेंट होती है, थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये सारे कंडीशंस क्यों है? स्टोमेटा भाई, संकन स्टोमेटा होगा तो भाई ट्रांसपिरेशन कम होगा, थिक लेयर होगी भाई ट्रांसपिरेशन, निडल शेप होगा अगर लीव का तो सरफेस एरिया कम होगा। तो ये कुल मिला के जो सारी चीजें हैं इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस, इसके लिए होती है ये, ठीक है। फिर हमने बात की कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दे आर कलेक्टिवली नोन एज स्पर्मेटोफाइटा, दैट इज द सीड बियरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दे आर कलेक्टिवली नोन एज, इनको कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। दैट इज द सीड बियरिंग प्लांट। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे हैव ओनली सीड, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता, ओनली सीड, नो फ्रूट फॉर्मेशन। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। हाँ जी, ये प्यार तो कम होना ही नहीं चाहिए, चाहे बॉटनी के कितने भी घटिया टॉपिक पढ़ा लो मैम, ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम। सीड विद फ्रूट दोनों होता है इसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दे आर कलेक्टिवली नोन एज द स्पर्मेटोफाइटा, दैट इज द सीड बियरिंग प्लांट। बट जिम्नोस्पर्म दे आर द लेट सीडेड प्लांट, सिर्फ सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर तो दोनों ही होता है, ठीक है। फिर हमने बात की कि भाई जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वैस्कुलर टिश्यू, हाँ जी, प्रेजेंट है, जी बिल्कुल प्रेजेंट है।
वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होने का मतलब जाइलम एंड फ्लोयम दोनों ही प्रेजेंट हैं, लेकिन 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 हाँ जी, जाइलम के अंदर वेसल्स एंड फ्लोयम के अंदर कंपेनियन सेल्स। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जाइलम के अंदर वेसल्स एंड फ्लोयम के अंदर कंपेनियन सेल्स तो प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये दोनों होते हैं एब्सेंट। लेकिन इसमें फिर लेकिन आ गया, देयर इज एन एक्सेप्शन। टेरिडोफाइट्स में भी पड़े थे एक्सेप्शन तो, लेकिन वहां पर ट्रू वेसल्स तो फिर भी नहीं थे, फॉल्स वेसल्स ही थे। बट यहां पर एक्सेप्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, शुड 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 बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ईच एंड एवरी एक्सेप्शन ऑफ दिस इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप, दैट इज द जेनेटम, वेरी इंपॉर्टेंट, एफेड्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेल्वेशिया। Exceptionally है तो gymnosperm, genetum, ephedra, valvasia, तो होना तो क्या चाहिए, xylem तो होगा लेकिन vessels नहीं होंगे, but इनके अंदर exceptionally true vessels present हैं जी, true vessels present होते हैं। Next point, हमने तो बात की थी कि pteridophytes के अंदर secondary growth तो present नहीं हुआ करती थी, exception था isoid, उसके अंदर आपका सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती थी। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स की मैं बात करूं अगर, तो यहां पर तो प्रेजेंट होगी जी सेकेंडरी ग्रोथ जो है, दिल में छुपी मेरी हर एक सांस है तेरे लिए, तू जो कहे छोड़ दूं मैं ये जहां तेरे लिए, जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे। सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना बेटा, दे आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, इसीलिए तो दे आर द वुडी प्लांट्स, ठीक है, ये वुडी प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, सेकेंडरी ग्रोथ जी बिल्कुल प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है, लेट मी नो इज इट क्लियर बच्चा, हाँ तो बोल दो। हाँ जी, अब सुनो यहां तक हो गया, अब आगे की राम कहानी सुन लेते हैं। गले की तो बैंड बजी है, गले के नाम मत लो बस, तो ठीक है चलो आ जाओ, यहाँ तक डिस्कस किया बेटा, एक सेकेंड रुक जाओ, पानी पी लेने दो यार। लिख लो जिनका रह गया हो तो। कर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, ओ बंदे आ, हर मैदान फतेह, कहाँ पढ़ रहे थे, आ जाओ। ये तो हो गया, एक हो गए हम और तुम, हम्मा। यहाँ तक पढ़ा दिया बेटा, ठीक है, ऑल जिम्नोस्पर्म वेस्कुलर प्लांट है, ये जाइलम मेले एक्सेप्शन पढ़ा दिया, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा दिया। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाइएगा, खुद बनाऊं क्या, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स क्या चाहिए, खुद बनाना है क्या, जल्दी तो बोलो। I
अक्षिता डिडंट नॉट रिस्पॉन्ड, कॉल मी, आई प्रोवाइड यू माई नंबर ना, कॉल मी आफ्टर दिस, ठीक है? जल्दी बोलो एंड कॉन्टैक्ट मी ओनली फॉर द सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट. अरे बोलो लिखना है कि क्या करना है भाई. अरे गला तो एकदम सड़ रहा है मेरा, तुम्हें गाना चाहिए. खैर अच्छा होता तो कौन सा अच्छा गा देती. सुन लो मैं यहीं से लिखा देती हूँ, यहीं से समझा देती हूँ, मैंने बनाया हुआ है. और फिर भी तुम लोग कहोगे तुम नलायक, अगर नहीं मानोगे तो बिल्कुल आपके कहने से हम कर लेंगे, ठीक है? सुनो यहां से साइकिल देखते जाओ. जिम्नोस्पर्म्स की मैं बात करूं, मेन प्लांट बॉडी दैट इज द स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉइड इन नेचर. मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है. ऑल द जिम्नोस्पर्म, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं दे आर डायोशियस. मेल एंड फीमेल प्लांट, यू कैन क्लियरली सी इन दिस लाइफ साइकिल, मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे, बट देयर इज एन एक्सेप्शन. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सेप्शन से, शुड बी ऑन योर फिंगर टिप, दैट इज द पाइनस विच इज मोनोशियस. ऑल द जिम्नोस्पर्म्स दे आर डायोशियस, यानी कि मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होता है. एज यू कैन क्लियरली, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉइड इन नेचर. ऑल द जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है. ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस, एज यू कैन सी देयर इज द मेल प्लांट, देयर इज द फीमेल प्लांट, बोथ आर सेपरेट, बट एक्सेप्शनली इन पाइनस देयर इज दिस इज मोनोशियस, ठीक है? ऑल द जिम्नोस्पर्म्स, हमने देखा था कुछ टेरिडोफाइट होमोस्पोरस, कुछ हीट्रोस्पोरस. All the gymnosperms are heterosporous, यानी कि at the time of reproduction two type of spores are formed. Microspores से male gametophyte और megaspore से female gametophyte बनेगा. सारे के सारे gymnosperms without any exception they are heterosporous. अब आप देखो दो type के spore बन रहे हैं, दो type के spore बनते हैं बेटा, megaspore एंड माइक्रोस्पोर. तो ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजियम से, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बनेगा. और ये स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है स्पोरोफिल से, माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोफिल से होगा, मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन मेगास्पोरोफिल से होगा. और ये स्पोरोफिल्स जो है ना ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जो मेल कोन और फीमेल कोन बनाते हैं. यहां तक की राम कहानी क्लियर हो जानी चाहिए. क्या बताया, सुन लो ध्यान से. अभी तक जो डिस्कस किया हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, सबसे पहली चीज तो ये, जैसा कि आप यहां डायग्राम, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. ऑल द जिम्नोस्पर्म्स दे आर डायोशियस, यानी कि मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होंगे, लेकिन एक्सेप्शन है पाइनस विच इज मोनोशियस, बाकी सब डायोशियस होते हैं. All the gymnosperms are heterosporous, that is they produce two type of spore at the time of reproduction. Microspore form the male gametophyte and megaspore form the female gametophyte. अब हमने बात की कि जो microspore और megaspore का formation sporangium कराते हैं, microsporangium से microspore बनेगा, megasporangium से megaspore बनेगा. Sporangium का formation sporophyll से होता है, तो megasporangium megasporophyll से बनता है, microsporangium का formation microsporophyll कराते हैं. और ये microsporophyll और megasporophyll ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जो मेल और फीमेल कोन बनाएंगे, ठीक है? अब जो megaspore और microspore से, अब इनके जर्मिनेशन से, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के जर्मिनेशन से, माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट जिसे हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं ये बना, और मेगास्पोर के जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एंडोस्पर्म बना. अब जितने 13th वाले स्टूडेंट होंगे वो जरा इस बात को समझेंगे, और जो 13th वाले नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाऊंगी तब आप ध्यान से सुन लेना. एक डिफरेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिटेल, तो लाइफ साइकिल मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाऊंगी, बट जो 13th वाले वो रिलेट कर पाएंगे, जो नहीं है वो सुन लो एक बार. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बहुत बड़ा फर्क है. ये जिम्नोस्पर्म की बात करें, सी फर्टिलाइजेशन तो इसके बाद हो रहा है बेटा, यहां पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन.
जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है और एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है. लेकिन यही बात अगर मैं एंजियोस्पर्म्स की करूंगी तो एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है और वो ट्रिपलॉइड थ्री एंड ट्रिपलॉइड स्ट्रक्चर होता है. ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बना बिफोर फर्टिलाइजेशन बना एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, ट्रिपलॉइड स्ट्रक्चर होता है. अब मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन से मेल गैमेट बनेंगे और फीमेल गैमेटोफाइट से आर्किगोनिया या आर्किगोनियम इनिशियल की तरह एक्ट करता है, ये फीमेल गैमेट एग का प्रोडक्शन करता है. अब ये जो मेल गैमेट की बात हो रही है ना तो लोअर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, तो बाकी डायग्राम से तो ये पता लग रहा है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, सेक डिप्लॉइड जायगॉट बनता है. फ्यूजन फर्टिलाइजेशन में दोनों टर्म यूज कर रखे हैं, जूडियोस्पिनोगैमी और स्पिनोगैमी. इसका मतलब क्या होता है बता देती हूँ. जिम्नोस्पर्म्स को पानी की तो जरूरत नहीं है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दे डोंट नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन. बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ लोअर जिम्नोस्पर्म्स, लोअर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो मेल गैमेट है ये मोटाइल होता है. मैं लिखवाऊंगी सारी चीजें, चिंता ना करो, सुन लो बस. लोअर जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट मोटाइल होता है तो मेल गैमेट घूम के फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा थ्रू द पोलन ट्यूब, उसको जूडियोस्पिनोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, मतलब ये मोटाइल है मेल गैमेट, लेकिन हायर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता तो ये रीचेस द पोलन फीमेल गैमेट थ्रू द पोलन ट्यूब, उसको स्पिनोगैमी कहते हैं. तो लोअर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर तो फर्टिलाइजेशन जूडियोस्पिनोगैमी, क्योंकि मेल गैमेट लोअर जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और हायर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फर्टिलाइजेशन स्पिनोगैमीस होता है क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता वहां पर हायर जिम्नोस्पर्म के अंदर. लिख लो, मेल गैमेट लोअर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर तो ये मोटाइल है और हायर जिम्नोस्पर्म के अंदर ये नॉन मोटाइल होते हैं जी. ठीक, फर्टिलाइजेशन हो गया. ठीक है भैया, डिप्लॉइड जायगॉट बन गया. जायगॉट के अंदर क्या होता है, फिर जायगॉट इट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, फिर ओव्यूल जो है सीड, सीड से वापस से वो मेन स्पोरोफाइट बन जाता है. ठीक है, और फ्रूट फॉर्मेशन इसमें होता नहीं, ओव्यूल इज नॉट एनक्लोज्ड बाय द सीड वॉल. दैट्स ऑल, इट इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म. आई थिंक यू गॉट इट, इज इट क्लियर? तो लोअर जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट मोटाइल मल्टीसीलेटेड, हायर जिम्नोस्पर्म में नॉन मोटाइल है. ठीक है, तो ये हो गया. आर्किगोनिया से एग बना, पोलन ग्रेन माइक्रोपाइल तक विंड के थ्रू पहुंच सकता है कैसे भी, कुल मिला के जूडियोस्पिनोगैमी. और ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, डेवलपमेंट ऑफ सीड जो टेरिडोफाइट में बने एक्सोस्पोरिक था इधर, एम्ब्रियो इज नॉट एनक्लोज्ड इन सीड. ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये इसके अंदर हो रहा है. यहां तक क्लियर हो गया? अब एक चीज आपको नोट डाल के अलग से लिखवाऊंगी, खैर वो तो. इज इट क्लियर? अरे भाई कहाँ बर्थडे है, मेरा बर्थडे 26 दिसंबर को आता है, अभी नहीं है बच्चों. ठीक है, लिख लेते हैं. जिम्नोस्पर्म्स की हमने बात की तो हमने डिस्कस कर लिया भाई कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म मैं डिस्कस कर रही हूं. रुक जाओ एक सेकेंड. लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात करें, एज आई टोल्ड यू जिम्नोस्पर्म के अंदर मेन प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है ये आपकी
स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है एंड एज आई टोल्ड यू ऑल द जिम्नोस्पर्म्स ऑल जिम्नोस्पर्म्स दे आर डायोशियस. सारे के सारे डायोशियस हैं, यानी कि दैट इज मेल एंड फीमेल प्लांट आर सेपरेट. दैट इज मेल एंड फीमेल प्लांट आपने डायग्राम में देखा है लाइफ साइकिल में क्लियरली मेल एंड फीमेल प्लांट आर सेपरेट. लेकिन एक्सेप्शन है. ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस बट एक्सेप्शनली पाइनस जो है इसके अंदर ये मोनोशियस है. ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट चीज ये पढ़ी कि सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स हीटरोस्पोरस यानी कि दो प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट एट द टाइम टू टाइप ऑफ स्पोर्स एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, ऑल द जिम्नोस्पर्म्स दे आर हीटरोस्पोरस. हीटरोस्पोरस का मतलब दैट इज दे प्रोड्यूस ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर हीटरोस्पोरस. दैट इज दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें हमने बात की थी माइक्रोस्पोर इट फॉर्म मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोर इट फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, फिर अपन ने डायग्राम में देखा कि जो स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है डिफरेंट डिफरेंट स्पोरेंजिया पर होता है. स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट स्पोरेंजिया जैसे कि माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया पर और मेगास्पोर माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया. मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा मेगास्पोरेंजिया के अंदर. माइक्रोस्पोर मेगास्पोर माइक्रोस्पोर दे आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोर दे आर फॉर्म्ड इन मेगास्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया पर एंड मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है मेगास्पोरेंजिया पर. ठीक है, माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोर आर फॉर्म्ड इन मेगास्पोरेंजिया. फिर हमने बात की कि दोनों तरह के स्पोरेंजिया डिफरेंट टाइप के स्पोरोफिल पर बनते हैं. बोथ टाइप ऑफ स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल. बोथ टाइप ऑफ स्पोरेंजिया दे आर फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल जैसे कि हमने बात की कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये तो माइक्रोस्पोरोफिल पर
और मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पर। माइक्रोस्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पर। एंड मेगास्पोरेंजिया, सॉरी मैंने मेगास्पोरोफिल लिख दिया यहाँ पर, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल पर। और ये माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल ग्रुप में क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं मेल कोन एंड फीमेल कोन रिस्पेक्टिवली। बोथ टाइप ऑफ स्पोरोफिल आर फाउंड इन ग्रुप और ये आपके मेल कोन और फीमेल कोन बनाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल आर फाउंड इन ग्रुप्स एंड फॉर्म मेल एंड फीमेल कोन बनाएंगे। मेल एंड फीमेल कोन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? यहां तक की राम कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर हमने बात की कि जो माइक्रोस्पोरो वो मियोसिस होता है माइक्रोस्पोरिंजियम और मेगास्पोरिंजियम से, इससे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोरिंजियम और मेगास्पोरिंजियम में मियोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। फिर इनका एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म और इसका स्पोर्स का जर्मिनेशन एंडोस्पोरिक ही होता है, यानी कि इनसाइड द स्पोरिंजिया ही होता है। मेल गैमेटोफाइट बनता है माइक्रोस्पोर से और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा आपके उससे। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। क्या बताया पहले तो मियोसिस होगा माइक्रोस्पोरिंजियम और मेगास्पोरिंजियम में। मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस ये होता है टेक प्लेस इन माइक्रोस्पोरिंजियम और मेगास्पोरिंजियम के अंदर। मियोसिस होगा माइक्रोस्पोरिंजियम एंड मेगास्पोरिंजियम के अंदर। इसके मियोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोरिंजियम से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। और मेगास्पोरिंजियम से माइक्रोस्पोर और इससे मेगास्पोर बनेगा। फिर ये माइक्रोस्पोर और जो मेगास्पोर जो बने हैं, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर और जो मेगास्पोर बने हैं, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन ही होता है। इससे आपके मेल गैमेटोफाइट, इसके जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट, इससे फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन्स, यही थे, यही था बेटा। मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट यानी कि आपके मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेटोफाइट मतलब माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन, मैंने मेल गैमेट लिखा है, और फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट के पैकेट में गड़बड़ कर दी ना यार। मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट बनेगा तो ठीक है, बट मेल गैमेटोफाइट इज द पोलन ग्रेन ना। फिर हमने बात की कि भाई जो पोलन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन जो है
ये बना फीमेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म बना। फिर हमने ये बात की कि एंडोस्पर्म जो है, ये पॉइंट लिख लीजिए, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, जो चार्ट से मुझे लिखवा रही है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन होगा और ये हैप्लॉइड होता है। लेकिन यही बात मैं अगर एंजियोस्पर्म्स के अंदर करूं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर बच्चा हमने डिस्कस किया था और डिटेल पढ़ाऊंगी मैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के पहले नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। एक मेल गैमेट जो आपका पोलर न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म, क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन है तो हैप्लॉइड है, यहाँ पर ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। और ठीक है, फिर आपके मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से आपका फर्टिलाइजेशन हुआ था। फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, वो तो हमने देख लिया कि मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट यानी कि एग है, तो मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन हो रहा था ना, तो फर्टिलाइजेशन की ही मैं बात कर लूँ अगर, तो क्या है फर्टिलाइजेशन, जूडियो स्फिनोगैमी भी होती है और स्फिनोगैमस टाइप भी होता है, लिख लो, क्योंकि लोअर जिम्नोस्पर्म्स में तो जूडियो स्फिनोगैमस टाइप होता है और हायर जिम्नोस्पर्म्स में स्फिनोगैमस टाइप होता है। ऐसा क्या है, क्योंकि हमने बात की थी कि लोअर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर तो क्योंकि मेल गैमेट जो है ये मोटाइल होता है, डिस्कस किया ना बेटा साइकिल लाइफ साइकिल के टाइम, मेल गैमेट मोटाइल होता है तो जूडियो स्फिनोगैमस टाइप होता है, लेकिन हायर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, हायर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मेल गैमेट जो है ये नॉन मोटाइल होता है, तो स्फिनोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर फर्टिलाइजेशन से वही डिप्लॉइड जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड और फिर वो स्पोरोफाइट बन जाता है, वो तो आपको पूरी तमाम चीजें क्लियर हो। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, आपने इस पूरी लाइफ साइकिल में देखा होगा एंथ्रीडिया, दिखा क्या आपको एंथ्रीडिया जो है ये जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होता और एंजियोस्पर्म में भी नहीं होता। टेरिडोफाइटा इज द लास्ट ग्रुप हैविंग द एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया तो है जिम्नोस्पर्म में लेकिन एंजियोस्पर्म में नहीं होता, ये भी लिख लो। आप देखो लाइफ साइकिल में आप देखोगे ना, मैं लिखवा देती हूँ फिर आपको शो कर दूंगी, एंथ्रीडिया जो है जिम्नोस्पर्म में नहीं देखने को मिला ये स्ट्रक्चर कहीं पर भी, आपको एंथ्रीडिया नहीं देखने को मिला, अभी मैं दिखा दूंगी लाइफ साइकिल में, तो इट इज एब्सेंट इन बोथ, जिम्नोस्पर्म्स में भी नहीं है एंथ्रीडिया, तो इन बोथ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म दोनों में ही नहीं है एंथ्रीडिया। टेरिडोफाइटा ही लास्ट ग्रुप था जिसके अंदर एंथ्रीडिया देखने को मिला, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा इट इज द लास्ट ग्रुप हैविंग एंथ्रीडिया। वैसे लाइफ साइकिल से एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है। और आर्किगोनिया की मैं बात करूं, जिम्नोस्पर्म्स में तो है लेकिन एंजियोस्पर्म्स में नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स में तो एंथ्रीडिया प्रेजेंट होता है बेटा, बट इट इज एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में नहीं होता आर्किगोनिया, तो जिम्नोस्पर्म्स इज द लास्ट ग्रुप हैविंग द आर्किगोनिया।
प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म बट एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म. सो जिम्नोस्पर्म इट इज द लास्ट ग्रुप हैविंग आर्किगोनिया. ठीक है, एक ये याद रखना. यहां से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आता है यहां से. मिगड़ा मेक इट अ 5-star मार्क इंपॉर्टेंट. ये सारे जो भी पॉइंट्स लिखाऊंगी ना, हर पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है. अभी दूसरा पॉइंट लिखा रही हूं मैं आपको कि इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट कहां से माना गया. ठीक है, कि वो तो मैंने आपको बताया हीटरोस्पोरस कंडीशन होती है. ठीक है, हाँ, लाइफ साइकिल जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की डिप्लोन्टिक टाइप है. क्यों अभी बता देती हूँ, ये पॉइंट भी लिख लो. चाहे मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करूं, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है. क्यों, हैप्लॉइड स्टेज भी तो प्रेजेंट है. गैमेटोफिटिक जनरेशन देखो आप, इसकी हैप्लॉइड ही तो है, तो फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं. क्योंकि गैमेटोफिटिक जनरेशन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, कम समय के लिए होती है. इसलिए बिकॉज लिख लो, गैमेटोफिटिक जनरेशन इज शॉर्ट लिव्ड, तो उसको नहीं मानते. कुछ देर के लिए ही होती है, बिकॉज गैमेटोफिटिक जनरेशन इट इज शॉर्ट लिव्ड. ठीक है, गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है ये शॉर्ट लिव्ड होती है. सो ये आपको एक याद रखना है. अब गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस रहता है इसमें, और डिपेंड गैमेटोफाइट जो है, ये भी लिख लो, डिपेंड ऑन इट्स स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट इट इज वेरी रिड्यूस्ड and depend on sporophyte. ये हो गया. एक चीज और, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया ना, तो आपके गैमेटोफाइट तो रिड्यूस होते गए और स्पोरोफाइट वेल डेवलप होते गए. कई बार क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग इवोल्यूशन, कई बार क्वेश्चन आया यहां से. तो जो गैमेटोफाइट है ये तो रिड्यूस होता गया, और जो स्पोरोफाइट है ये वेल डेवलप होते गए. देखो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट आपके एंजियोस्पर्म्स के अंदर एडवांस हो गया ना, तो ड्यूरिंग द इवोल्यूशन गैमेटोफाइट तो रिड्यूस होता गया. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में तो वेरी रिड्यूस फॉर्म में होगा. एंजियोस्पर्म्स के अंदर, लेकिन ब्रायोफाइट के अंदर ये वेल डेवलप्ड होंगे, वेल डेवलप्ड इन ब्रायोफाइटा. जबकि स्पोरोफाइट की मैं बात करूं तो इट इज रिड्यूस्ड इन ब्रायोफाइट्स एंड वेल डेवलप्ड इन एंजियोस्पर्म. ये आपको याद रखना है, एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप्ड, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऐसा ही है. ठीक है, ये लिख लिया बेटा आपने, ये हो गया. दूसरा, अच्छा वो मैंने बताया
कि टू रिक्वायरमेंट फॉर द सीड फॉर्मेशन, वो भी मैं अलग से लिखा देती हूँ। टू रिक्वायरमेंट्स फॉर द सीड फॉर्मेशन, टू रिक्वायरमेंट्स। फॉर सीड फॉर्मेशन हीटरोस्पोरस कंडीशन का होना, ठीक है, हीटरोस्पोरस कंडीशन, प्लांट शुड बी हीटरोस्पोरस, प्लांट शुड बी हीटरोस्पोरस कंडीशन होनी चाहिए और एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होना चाहिए, एंड एंडोस जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर शुड बी एंडोस्पोरिक। ये दो कंडीशन है, जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, फीमेल गैमेटोफाइट का पैरेंट स्पोरोफाइट पर लंबे समय तक रिटेंशन, जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर शुड बी एंडोस्पोरिक, जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर इट शुड बी एंडोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होना चाहिए। दे दो रिक्वायरमेंट है आपके सीधा के लिए, ठीक। दिस इज अबाउट दिस। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितना कितना करना है, पूरा पूरा नहीं करना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइफ साइकिल हो गया, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, लाइफ साइकिल ये पूरा मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, ये लिखवा दिया। गैमेटोफाइट रिड्यूस होता गया, स्पोरोफाइट डेवलप। ये जिम्नोस्पर्म्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, लोअर जिम्नोस्पर्म, दैट इज द, सिर्फ नाम याद रखना, डिटेल कितना है मैं हाईलाइट करा दूंगी, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो जिम्नोस्पर्म्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया बेटा, लोअर जिम्नोस्पर्म, दैट इज द, अरे यार इसमें क्यों दिक्कत आ रही है, ये दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया जिम्नोस्पर्म्स को, साइकेडोफाइटा दैट इज द लोअर जिम्नोस्पर्म एंड कॉनिफेरोफाइटा दैट इज द हायर जिम्नोस्पर्म। इसका नाम याद रखोगे, साइकेडोफाइटा का डिटेल कुछ नहीं करना, ये याद रख लेना बस। किसका एग्जाम्पल है, नहीं सिर्फ ये, लिग्नियोप्टेरिस, दिस इज द फॉसिल प्लांट, ये आपको याद रख लेना, लिग्नियोप्टेरिस फॉसिल प्लांट है, सिर्फ नाम बेनेटल्स इसी के अंदर आता है और कुछ नहीं, कुछ मत करो। साइकेडल्स, ये क्वेश्चन आ जाता है, जेमिया पाइजेमा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ये डिटेल आपको आनी चाहिए। साइकेडल्स का एग्जाम्पल है जरूरी नहीं है, साइकस फर्न पाम जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है बस, ये और कुछ नहीं। साइकस के अंदर याद रखना फीमेल कोन जो है ये एबसेंट होता है, साइकस के अंदर फीमेल कोन एबसेंट है, ठीक है। गिंको बिलोबा दिस इज द लिविंग फॉसिल, ये आप याद रखोगे, इसे मैडन हेयर ट्री भी कहते हैं, याद, किसके एग्जाम्पल नहीं, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है बस, गिंको बिलोबा लिविंग फॉसिल मैडन हेयर ट्री, ये डिटेल इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। कॉर्टेल्स इसके एग्जाम्पल में आता है, जिम्नोस्पर्म्स में आता है बस, ये और कुछ नहीं। कॉनिफर्स इसी के अंदर आते हैं बस, और कुछ नहीं, कॉनिफर्स इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। पाइनस, तो हमें पाइनस स्पीशीज मोनोशियस एक्सेप्शन तो वैसे ही याद है, ठीक है बस, और कुछ नहीं, और डिटेल कुछ नहीं। सिड्रस टैक्सस, सिड्रस याद रख लो, टैक्सस याद हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो चलेगा, ठीक है। ये कुछ नहीं याद रखना बस इतना आपको याद, ये भी नहीं याद रखोगे तो चलेगा। गिंको बिलोबा तो मैंने करवा ही दिया, मैडन हेरिट्री कॉर्डिल्स, अच्छा ये वापस से वही रिपीट हो गया। इट इज सीक्वा मेटा सीक्वा टॉलेस्ट ट्री लिखा होगा कहीं, ये आपको याद रखना है। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, टॉलेस्ट है स्मॉलेस्ट है, टॉलेस्ट है स्मॉलेस्ट है, ये याद रखना है बस। बस ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑरिजिनल बस हो गया। इट इज ऑल अबाउट दिस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बस जिम्नोस्पर्म जितना पढ़ा है इसमें से सिर्फ नाम मैं एक बार हाईलाइट जो कराया ना, मैं एक वर्बली आपको बता देती हूँ, सिर्फ नाम बेटा हाईलाइट जो कराए, ठीक है, सिर्फ नाम बाकी डिटेल नहीं, पूरा डिटेल लाइफ साइकिल तक तो पढ़ा ही दिया,
भाई लोअर जिम्नोस्पर्म्स दैट इज द साइकेडोफाइटा, और नाम याद रखना, और कॉनिफेरोफाइटा दैट इज द हायर जिम्नोस्पर्म, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिग्नियोप्टेरिस फॉसिल प्लांट है, विलियम सोनिया फॉसिल प्लांट, एग्जाम्पल याद रहेगा ज़ेमिया पाइजेमा, ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, याद रखना ज़ेमिया पाइजेमा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। फिर गिंको बिलोबा याद रखना, मैडन हेयर ट्री से हम कहते हैं, कॉर्डेट्स याद रखना, कॉनिफर्स याद रखना, पाइनस याद रखना, सिड्रस टैक्सस याद रखना, ठीक है, बस आपको ये सीक्वा मेटा सीक्वा याद रखना, टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट मैंने फिर वो ज़ेमिया पाइजेमा जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म यही है, ठीक है, सीक्वा मेटा सीक्वा जो हमने डिस्कस किया, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, बेटा लार्जेस्ट मैंने अभी मैं लिखवा देती हूँ, मेटा सीक्वा याद रखना, लिविंग फॉसिल फाउंड इन द वैली ऑफ चाइना, सीक्वा लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म्स में से, कि बस इतना ही, और डिटेल किसी का नहीं करना इसमें, इसलिए मैंने हटा दिया, कहाँ गया मेटा सीक्वा, ज़ेमिया पाइजेमा स्मॉलेस्ट है, मेटा सीक्वा ये क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, दैट्स ऑल, दैट्स इट, इट इज ऑल अबाउट माय टुडेस सेशन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन, फॉलो मी हियर ऑन academy.com@shivani1990, कल सुबह 9:20 पर हम लोग बिल्कुल मैं आपका सेल बायो का क्लास लगाऊंगी, रेगुलर चलेगा, मैंने अभी पब्लिश नहीं किया बट मैं कर दूंगी, उसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, बस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो सेशंस भी, यहाँ पर मुझे फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन ऑन कर दो, स्पेशल क्लासेस में आप देख लेना, फ्री क्लासेस लगती हैं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, सुबह 9:20 हम लोग शुरू करेंगे कंटिन्यू करेंगे सेल बायो को, और आप पर्सनलाइज मेंटरशिप के अंदर पढ़ने के लिए प्रॉपर वे में पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ बायो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का वन स्टॉप सॉल्यूशन, 50 से भी ज़्यादा एडुकेटर अवेलेबल है, मर्जी है सब अनलॉक हो जाते हैं, शिवानी कोड अप्लाई करके पेमेंट करोगे सारे अनलॉक हो जाएंगे, मर्जी है जिससे आप कर सकते हैं, फीस पर आपको इस कोड को अप्लाई करने से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरे मेंटरशिप में आ जाओगे, यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई सुपर इटीज, DPP क्वेश्चन बैंक, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, मेरे खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट, और सिर्फ बायो नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आई विल मेंटर यू थ्रू आउट योर नीड जर्नी, जस्ट यू हैव टू अप्लाई दिस कोड while taking the subscription.